माई सिंसियर ग्रीटिंग्स टू एवरी वन टूडे वील डिस्कस अ पोएम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेन फ्रॉम देअ बुक फर्स्ट फ्लाइट इट इज देअर सिक्स पोएम टाइटल ऑफ द पोएम इज अमेंडा एंड इट इज रिटन बाई रॉबिन क्लिन हु इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फॉर्म और पैटर्न ऑफ द पोएम आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन्स पर यहाँ मैंने आपको पोएम का कंप्लीट टेक्स्ट प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए ये जो स्टार्टिंग हो रही है पोएम की तो ये जो फर्स्ट स्टेंसा है इसे आप छोड़ दीजिए सेकेंड स्टेंसा को देखिए ओके okay? ये सेकेंड स्टेंसा ये जो तीन लाइन्स हैं सेकेंड स्टेंसा की ये पैरेंथेसिस में गिवन है पैरेंथेसिस इंग्लिश पंक्चुएशन मार्क्स के हिसाब से हम ब्रैकेट्स को बोलते हैं ओके okay? फिर देखिए जो थर्ड स्टेंसा है इट इज़ अगेन विदाउट ब्रैकेट्स फिर फोर्थ स्टेंसा फिर से ब्रैकेट्स में है फिफ्थ सिंपल विदाउट ब्रैकेट्स ओके देन सिक्स अगेन इन ब्रैकेट्स एंड सेवन जो है वो फिर से विदाउट brackets तो यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहती हूँ बात वो ये है कि यहाँ पर ऐसे ये तीन स्टेंसास हैं जो कि ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं पैरेंथेसिस में दिए हुए हैं तो हम पैरेंथेसिस का यूज क्यों करते हैं पोएम में ये यूज दरअसल ये दिखाता है कि जो भी सेंटेंसेस वर्ड्स या फ्रेजेस पैरेंथेसिस में गिवन होते हैं दे इंडिकेट एन असाइट साइड ट्रैक फ्रॉम द मेन पॉइंट कि यहाँ पर जो मेन स्पीकर जो बात कर रहा है तो जो पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट्स में जो बात दी हुई है वो इस बात से बिल्कुल अलग है ओके okay? कैसे समझिए इस पोएम में एक लड़की है अमेंडा शी इज पर टीन एज वी कैन से या फिर शी इज जस्ट अबाउट टू एंटर हर टीन एज ओके या तो वह टीन एज में है या फिर जस्ट एंटर ही करने वाली है अपनी टीन एज में एंड शी इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड बाई हर पेरेंट्स और स्पेसिफिकली वी कैन से बाय हर मदर वो लगातार अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सुनती रहती है ओके okay? क्या सुनती रहती है या तो पेरेंट्स से सुनती रहती है या फिर हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि हो सकता है कि मदर ही होंगी जो ये सब बातें उसको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं क्या कि डू दिस डू दैट डोंट डो दिस डोंट डू देट और ऐसा लगभग हम सब के साथ होता है कि जब भी हम छोटे होते हैं यंग एज में या स्पेशली हम कह सकते हैं कि हमारी एडोलीसेंस एज में जब हम होते हैं एट दैट टाइम हमारे पेरेंट्स ही हमें गुड मैनर्स के बारे में गुड हैबिट्स के बारे में एटिकेट्स के बारे में सिखाते हैं कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है कैसे प्रेजेंटेबल बनना है और ये सब ट्रेनिंग जो है ये हमें हमारे पेरेंट्स देते हैं राइट right? ये सब बातें लेकिन देखिए बेटा ये जो एज है ये बहुत ही टेंडर होती है इसमें दरअसल बच्चे ये सब बातें सुनना पसंद नहीं करते कि भी ये करो ये मत करो कि ये कर लिया क्या वो कर लिया क्या इस तरह से क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो अभी बहुत ही इमेच्योर होते हैं वो ना समझ होते हैं वो बच्चे आप देखिए इस तरह की एज है कि वो जो बच्चे हैं वो ना ही तो बहुत ही छोटे होते हैं राइट और ना ही बहुत ही बड़े हो जाते हैं कि उन्हें ये अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई उनके लिए क्या अच्छा है एंड क्या नहीं राधा जब भी उनके पेरेंट्स उन्हें टोकते हैं तो वो उन पेरेंट्स को भी अपने पेरेंट्स को भी पसंद नहीं करते उन्हें भी पसंद नहीं करते तो ये पोएम बेसिकली इसी बारे में है जब एक मदर अपनी डॉटर को कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और वो लड़की वैसे कुछ बोलती नहीं है लेकिन शी डिसलाइक्स डिसक्स हर मदर सेज उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि उसकी मदर या जो पेरेंट्स है मान लीजिए वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको बिल्कुल उन्हें सुनना पसंद वो नहीं करती ओके okay. हालांकि वो कुछ उल्टा जवाब नहीं देती उस चीज़ के लिए इनफैक्ट वो तो अपनी दुनिया में ही खोई रहती है अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में अपने बारे में कुछ कुछ सोचती रहती है कि काश में ये होती है काश में वो होती ओके okay. तो चलिए पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करते हैं पोएम को और देखते हैं कि जो मदर है अमेंडा की वो उन्हें क्या करने के लिए बोल रही हैं एंड अमेंडा किस वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में खोई हुई है फर्स्ट स्टेंसा ऑफ द पोय डोन्डा डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा स्टॉप स्लाउचिंग एंड अप्रेट अमेंडा अब देखिए मीनिंग्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर डिफिकल्ट uh, वर्ड्स इस स्टेंसा में आप जो देख पा रहे हैं एक तो है हंच हंच का मतलब बेंड बेंड का मतलब झुकना ओके एंड स्लाउचिंग का मतलब सिटिंग इन अ लेजी वे तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं Uh, don't bite your nails, Amanda. Here the mother is pointing out her daughter Amanda for biting her nails. Obviously, which is a bad habit. Amanda की जो mother हैं ओके हम यहाँ पर मदर ही लेके चलेंगे क्योंकि uh, देखिए गर्ल्स के लिए जो है दरअसल जो टोकने का काम है हालांकि दोनों पेरेंट्स कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो मदर है, वही हमें अच्छे से रहना सिखाती है कि हम किस तरह से अच्छे से प्रजेंटेबल हों सोसाइटी में ओके okay? तो इसलिए मदर का ही रेफरेंस हम यहाँ पर लेंगे कि मदर जो है वो स्पीकर है यहाँ पे और वो किसे एड्रेस कर रही हैं अपनी डॉटर अमेंडा को वो उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि भी डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा और वैसे भी आपको पता है कि भी जो नाखूनों को बाइट करना मीन्स नाखूनों को चबाना वो जो है ना कोई अच्छी आदत नहीं है राइट आप पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो लड़की है ये अपने नाखूनों को चबा रही है राइट तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा और देखा जाए तो ये एक हाइजीनिक आदत भी नहीं है इट्स क्वेट अनहाइजीनिक इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है मना बिल्कुल ठीक कर रही है राइट यहाँ पर हम यही कहेंगे कि वी डोंट बाइट योर नेल्स अमेंटा कि भी तुम जो है नेल्स मत चबाओ राइट नेक्स्ट लाइन देखिए डोंट हंच योर शोल्डर समेंटा कि अपने कंधों को शोल्डर्स का मतलब कंधे हंच का मतलब झुकाना कि भी अपने कंधों को मत झुकाओ आपको पता है कि यदि कंधों को लंबे समय तक झुकाकर रखा जाए तो आगे चलकर जो पोस्चर है बॉडी का वो खराब हो सकता है तुम तो अगर यहाँ पर इंस्ट्रक्ट कर रही है मैंडा को कि तुम एकदम सीधा बैठो और अपने जो कंधे हैं उनको झुका कर मत बैठो राइट स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंट अब स्लाउचिंग का मतलब मैंने आपको बताया ही है कि सिटिंग इन अ लेजी वे होता है कि भी तुम बड़ी लेजीली बैठी हो कि किस तरह से बैठी हो कि बिल्कुल ही आलस में ऐसा लग रहा है कि कोई भी एनर्जी तुम्हें बाकी नहीं है राइट तो तुम्हें कैसे बैठना है स्ट्रेट बैठो राइट तो देखिए जब भी जो बच्चे होते हैं छोटे वो जब भी बैठते हैं या हमारे महाराज खड़े होते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑल द टाइम एनर्जेटिक होंगे बहुत ही एक्टिव दिखाई देंगे अगर हमारे महाराज कोई भी लेजीली बैठा है ओके तो वो बिल्कुल भी वाइब्रेंट नहीं लगता तो बच्चों को तो बिल्कुल सीधा और एकदम ऐसे अटेंटिव सा लगना चाहिए तो इसीलिए जो मदर है इस टेंसा में हम देख सकते हैं कि भी जो अमेंडा है उसको तीन बातें करने के लिए बोल रही हैं क्या कि डोंट बाइट योर नेल्स सामेंटा अपने नाखूनों को नहीं चबाओ अपने शोल्डर्स को सीधा करके बैठो और लेजीली मत बैठो बिल्कुल स्ट्रेट एकदम एक्टिवली वाइब्रेंटली बैठो राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन्स दिस इज द सेकेंड स्टेंसर जो कि मैंने आपको बताया था पैरेंथिस में गिवन है राइट right? ब्रैकेट्स में गिवन है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस का अपना एक सिग्निफिकेंस है इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पोएम की मैंशन किया था कि फॉर्म या पैटर्न जो है पोएम का वो यही रहेगा कि एक बार तो मदर ने बोल दिया राइट right? एंड यहाँ पर क्या चेंज आया है पेरेंथिस से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मदर नहीं बोल रही यहाँ पे दरअसल डॉटर भी नहीं बोल रही लेकिन ये जो लाइंस हैं ये दरअसल इमेजिन की जा रही हैं अमेंडा के द्वारा राइट right? अमेंडा जो है वो अब सोच रही है शी इज लॉस्ट इन हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन राइट तो आप ये देखें कि इन ब्रैकेट्स का यहाँ पर सिग्निफिकेंस बन जाता है क्योंकि ये इनर थॉट्स हैं इनर फीलिंग्स हैं अमेंडा की ओके okay? तो देखिए क्या सोच रही है यहाँ पर अमेंडा पहले आप डिफिकल्ट uh, वर्ड्स को देख लीजिए लैंग्वेड का मतलब रिलैक्सड एमरल्ड यर ग्रीन कलर एंड इनहेबिटेंट मीन्स रेजिडेंट ओके अब आप समझिए इन लाइन्स को कि किमेंडा जो है वो मदर की इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद क्या फील कर रही है राइट right? मैंने आपको बताया था कि वो उल्टा जवाब नहीं देती राइट right? वो केवल अपने वर्ल्ड में खोई रहती है अपने आप को कुछ कुछ सोचती रहती है तो यहाँ पर वो क्या सोच रही है अपने बारे में कि वो क्या है देखिए देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी लैंग्विड का मतलब रिलैक्सड वो ये सोचती है कि एक ऐसा लैंग्विड एमरल्ड सी है सी का मतलब समुद्र एमरल्ड का मतलब ग्रीन कलर का ओके okay? एमरल्ड uh, जो है वैसे पन्ना जो एक स्टोन होता है उसके लिए भी यूज होता है लेकिन यहाँ पर यह स्पेसिफाई कर रहा है देखिए पिक्चर के बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर का सी है राइट right? लैंग्विड का मतलब रिलैक्स एकदम पीसफुल ओके okay? एकदम रिलैक्सिंग सा एकदम शांत हरे रंग का समुद्र है राइट वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मीन मी यहाँ पर किसके लिए आया है मी यहाँ पर आया है अमेंडा के लिए अगर मान लीजिए एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जा जाते हैं इस पोएम में से तो पूछा जा सकता है कि मी यहाँ पर किसके लिए आया है तो यहाँ पर मी आया है अमेंडा के लिए क्योंकि ये जो थॉट्स हैं ये अमेंडा के थॉट्स हैं राइट वेर द सोल इन्ेबिटेंट सोल का मतलब अकेला राइट right? अकेला रहने वाला कौन है इन्हेबिटेंट का मतलब रेजिडेंट अकेली कौन रहती है वहाँ पे उस ग्रीन एमरल्ड सी में वहाँ पे जो है अकेली जो रहती है वो है अमेंडा वो एकदम पीसफुल ग्रीन uh, कलर का सी है एंड वहां पे जो अकेला एक जो रहने वाला है वो कौन है अमेंडा है लेकिन अमेंडा जो है वहाँ पे ऐसे नहीं है शी इज अ ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मरमेट का क्या मतलब है देखिए मरमेट आप पिक्चर में देख पा रहे हो एक ऐसा क्रीचर होता है जो हाफ फिश एंड हाफ गर्ल होता है राइट right? तो एक हाफ फिश हाफ गर्ल लाइक क्रीचर दैट इज अ अमेंट फाइन एंड दैट मोमेंट इज ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली ड्रिफ्टिंग का क्या मतलब है समझिए देखिए बेटा जब भी मान लीजिए जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं राइट तो वो पानी का जो बहाव होता है उसके साथ साथ सब चीज़ों को बहाकर ले जाती हैं दैट इज़ ड्रिफ्टिंग कि पानी के बहाव के साथ साथ बह जाना दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का मतलब हैप्पीली इन अ डिलाइटेड मैनर ओके कि जो मर्मिड है वो वहाँ पर जैसे पानी के बहाव के साथ बह रही है मीन्स उसके जो थाट्स हैं वो इतने ज्यादा ओवर पावरिंग है कि वो जो मदर कमांड दे रही है इस समय एट प्रेजेंट उसकी ओर तो ध्यान ही दे रही शी इज लॉस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी अ मरमिट ओके हु इज देयर इन अ रिलैक्सड एंड ग्रीन सी शी इज द सोल इनहेबिटेंट मीन्स नो वन इज देयर टू डिस्टर्ब हर राइट शी इज रिलैक्सिंग इन दैट सी बिकॉज शी इज दी ओनली वन लिविंग देयर एंड शी इज अर्मिट एंड शी इज लिविंग देयर हैप्पी शी इज फ्लोइंग विद द वेब्स शी इज फ्लोइंग विद द वॉटर ओके आई थिंक आपको ये एक्सप्लेन समझ में आई होगी अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेंसा <coughs> पर चलते हैं देखिए मदर अब दोबारा से कमांड्स लेना शुरू कर रही हैं सी डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा डिड यू टाइड योर रूम अमेंडा आई थॉट आई टोल्ड टू क्लीन योर शोज अमेंडा अब देखिए यहाँ पर जो है अमेंडा से फिर से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मदर इज थिंग्स फ्रॉम अमेंडा फर्स्ट ऑफ ऑल शी शी इज कि फिनिश्ड हर होमवर्क कि क्या उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया ओके okay. फिर वो क्या पूछ रही है कि हैव यू टाइट योर रूम क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया ओके okay. फिर थर्ड में क्या पूछ रही है आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा कि मैंने शायद तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज को क्लीन कर लेना तो यहाँ पर फिर से बेसिकली तीन इंक्वायरीज मदर कर रही हैं अमेंडा से कि, कि क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमेंडा क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया अमेंडा और क्या तुमने अपने शूज को क्लीन कर लिया आई थॉट मैंने तुम्हें कहा था करने के लिए राइट right? तो आप ये देखिए ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये दरअसल आपको भी दी जाती होंगी क्या होमवर्क फिनिश कर लिया लगातार बार बार हम ये चीजें सुनते हैं हमारे पेरेंट्स से तो ये कोई नई चीज़ नहीं है ये एक बहुत ही जनरल सा फिनिना है ओके okay? सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं राइट ताकि वो अच्छा काम कर पाए समाज में अच्छे इंसान बन पाए साथ ही हाइजीनिक जो बातें हैं वो भी सिखाई जाती हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में राइट कि भी क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया और क्या तुमने अपने शूज को साफ कर लिया अमेंडा ओके अब ये तो हो गई मदर की इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर टाइडी का मतलब क्लीन ओके अब देखते हैं कि अमेंडा इस बारे में क्या सोच रही है अगेन यू कैन सी दैट दीज थ्री लाइन्स दिस पैराग्राफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज गिवन विद इन ब्रैकेट्स ओके पैनथिस में है और ऑब्वियसली uh, ये इनर हैं, इनर फीलिंग्स हैं इमेजिनेशन है अमेंडा की शी इज नॉट थिंग्स, बट शी इज इमेजिनिंग हर सेल्फ ओके तो क्या इमेजिन कर रही है अमेंडा अपने लिए सी आई एम एन ऑर्फिन रोमिंग द स्ट्रीट अब देखिए यहाँ पर जो है अमेंडा इतनी ज्यादा फेडअप हो चुकी है इन इंस्ट्रक्शन से कि वो कहती है कि आई एम एन ऑर्फिन वो सोच रही है कि मैं क्या हूँ एक अनाथ हूँ राइट right? ऑर्फन का मतलब आप समझते ही हो दिस मीन्स शी इमेजिन्स इफ शी वुड हैव बिन विदाउट पेरेंट्स कि काश उसके पेरेंट्स ही नहीं होते ओके okay? तो उस समय शी वुड हैव हैॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट्स रोमिंग का मतलब घूमना स्ट्रीट का मतलब गली ओके okay? तो वो गलियों में ऐसे घूमती रहती एकदम अनाथ ओके okay? यानी कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते उसको अनाथ बोलते हैं उसको ऑरफन बोलते हैं अमेंडा यहाँ पर ये यह सोच रही है कि काश इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस मैं सुन रही हूँ इससे अच्छा तो मैं अनाथ होती मेरे पेरेंट्स ही नहीं होते तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जो टेम्परामेंट है इस लड़की का वो कैसा हो चुका है कितनी इरिटेट हो चुकी है इन इंस्ट्रक्शन से हालांकि मदर सब कुछ ठीक कह रही हैं जो कुछ करने के लिए कह रही है वो सबसे कहा जाता है और नहीं कहा जाएगा तो बच्चों को एटिकेट्स कैसे आएंगे राइट right? लेकिन यहाँ पर अमेंडा ये महसूस कर रही है और हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे महसूस कर रहे हो क्योंकि आप भी लगभग इसी एज के हैं जिस एज की ये लड़की है तो ये महसूस कर रही है कि इसकी जो फ्रीडम है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है उसकी मदर ने वो केयरफुली रहना चाहती है ओके रोमिंग द स्ट्रीट घूमना चाहती है गलियों में ऐसे ही लेकिन उसकी जो मदर है वो लगातार उसे इंस्ट्रक्ट कर रही हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ये पढ़ के तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जो मदर बोल रही हैं उसका ऑपोजिट अमेंडा करना चाहती है आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट आप देखिए इसका क्या मतलब है पहले सेंटेंस का मतलब समझिए I pattern soft dust with my hushed bare feet. अब यहाँ पर तो फर्स्ट लाइन में तो अमेंडा ने कहा था कि काश मैं एक ऑर्फिन होती अनाथ होती और गली में घूमती रहती गली में अब वो ये सोचते है कि जिस समय वो घूम रही होगी तो उस समय वो क्या करेगी Pattern soft dust, ओके okay? Soft dust का मतलब यहाँ पर uh, मिट्टी ओके okay? और क्या करेगी मिट्टी पर मिट्टी तो होगी ही गली में जब वो घूमेगी ऐसे ही और विद माई हर्ष्ट बियर फीट हर्ष्ट का मतलब साइलेंट क्वाइट ओके कि एकदम शांत जो जैसे हमारे जे पैरों से वो चलेगी बेयर का मतलब नंगे पांव बेयर फीट का मतलब नंगे पांव कि वो एकदम साइलेंटली नंगे पांव से चलेगी कहाँ पर उस स्ट्रीट में उस डस्ट के ऊपर और चलते समय उस सॉफ्ट डस्ट के ऊपर वो क्या करेगी पैटर्न मीन्स वो अपने पैरों से डिजाइन बनाएगी अब हो सकता है कि बेटा आपने भी ऐसा कभी किया हो कि जब आप एकदम केयर फ्रीली एकदम बिना किसी टेंशन के एकदम रिलैक्सड वे में घूम रहे हो गलियों में और रास्ते में कहीं मिट्टी जैसे मान लीजिए आ जाए तो आप भी अपने पैरों से कोई ना कोई डिजाइन ऐसे बनाते रहोगे अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि मदर ने जस्ट अभी अमेंडा को क्या करने के लिए बोला था यस क्या बोला था सोचिए अमेंडा को बोला था कि भी तुमने अपने शूज क्लीन कर लिए होंगे मैंने कहा था राइट ये याद आया आपको कि भी क्या तुमने अपने शूज क्लीन कर लिए ये पूछा था अभी जस्ट लेकिन यहाँ तो अमेंडा क्या बोल रही है शूज़ की तो बात ही छोड़ दीजिए यहाँ पर वो बेयर फीट ओके घूमना चाहती है एंड मिट्टी के ऊपर पैटर्न भी बनाना चाहती है तो वहाँ पर यहाँ तो वो डस्ट से खेलना चाहती है पैरों को एकदम मिट्टी में भर लेना चाहती है राइट तो यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट सोच रही है अमेंडा और साथ में इतना ज़्यादा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी स्टॉन्ट फीलिंग है उसे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कि शी वॉन्ट टू शी वॉन्ट्स की उसके पेरेंट्स ही ना हो तो, राइट ना उसकी था थर्ड लाइन द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट साइलेंस इज गोल्डन गोल्डन का मतलब यहाँ पे साइलेंस का मतलब तो हो गया मतलब शांति ओके साइलेंस इज गोल्डन का मतलब हो गया कि साइलेंस इज क्रूशियल साइलेंस इज प्रिशियस ओके साइलेंस एंड फ्रीडम इज वॉट शी इज क्रेविंग फॉर ओके वो चाहती है कि एकदम शांति हो उसकी लाइफ में उसकी लाइफ में एकदम फ्रीडम हो फील वो घूमे यहाँ वहाँ ओके जहाँ पर भी उसका मन करे फ्रीडम इज़ स्वीट स्वीट का मतलब जैसे शी वॉन्ट्स टू टेस्ट दैट फ्रीडम शी वॉन्ट्स टू एंजॉय द फ्रीडम ओके विच इज़ नॉट बींग प्रोवाइडेड टू हर राइट नाउ बिकॉज हु इज करटेलिंग हर फ्रीडम येस हर पेरेंट्स हर मदर दे आर करटेलिंग हर फ्रीडम ओके और वो क्या चाहती है फ्रीडम हो उसकी लाइफ में एकदम फ्रीली वो यहाँ वहाँ घूमे साइलेंट्स हो उसकी लाइफ में बार बार ये जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं जो कमांड्स मिल रही हैं मदर की ओर से ये उसे ना मिलें इसीलिए वो ये सब इमेजिन कर रही है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा यू योरडा अगेन देखिए मदर उसे इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा अमेंडा मे बी इस समय कोई चॉकलेट खा रही होगी मदर कहती है कि नहीं वो चॉकलेट नहीं खानी uh, क्योंकि तुम याद करो कि चॉकलेट खाने से तुम्हें क्या हो जाता है एक्ने अब देखिए एक्ने का मतलब क्या होता है पिंपल्स जैसे मान लीजिए इस एज में जो है बच्चों को जैसे मुहासे निकल आते हैं पिंपल्स निकल आते हैं स्किन पर फेस पर तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मदर जो है अपनी डॉटर को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं किसके रिगार्डिंग एक्सटर्नल ब्यूटी की इम्पॉर्टेंस के रिगार्डिंग वो उसे समझा रही हैं कि ठीक है पर्सनल हाइजीन तो जैसे ज़रूरी है ही और जैसे एक्सटर्नल ब्यूटी भी ज़रूरी है कि आपको दिखना भी होता है सुंदर आपको बिहेव भी करना होता है अच्छे से तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में की ट्रेनिंग दी जा रही है अमेंडा को कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी क्योंकि तुम याद करो कि इससे तुम्हें क्या हो जाता है पिंपल्स निकल आते हैं फेस पर ओके प्लीज लुक एट मी मीन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा अब आप देखिए बेटा अगर जैसे बच्चे जो हैं उनको चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं आपको भी बहुत पसंद होंगी है ना अगर मान लीजिए आपसे कहा जाएगी वह तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी सच सच बताओ तुम्हें कैसा लगेगा है ना तो सेम फीलिंग जो है अमेंडा को भी जैसी आ रही है वो अपनी मदर की ओर देखना ही नहीं चाहती कि भी जो से ये कह रही है कि उसकी जो फेवरेट चीज़ है चॉकलेट्स सब बच्चों की फेवरेट होती हैं राइट तो वो कहते हैं कि चॉकलेट नहीं खाने तुम पिम्पल्स भाई मदर का भी पार्ट ठीक है क्योंकि चॉकलेट खाने से उसके फेस पर पिंपल्स हो जाएंगे वो परेशान होगी राइट तो वो मना कर रही हैं लेकिन अमेंडा जो है वो अपनी मदर की ओर देख भी नहीं रही तो मदर कहती है कि अरे कम से कम तुम मेरे साइड देख तो लो जिससे मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा ओके अब देखिए इस समय अमेंडा तो क्या सोच रही है वो अपने मदर की ओर नहीं देखती तो वो क्या सोच रही है सी आई एम आर अंसल आई हैव नॉट अ केयर लाइफ इन अटार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर आल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर तो यहां पर देखिए जो अवेंटा है वो अपने आप को कंसीडर करती है मैंने आपको बताया ही था ये ब्रैकेट्स में है अलाइंस शी इज़ इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी अ रेपुंजल ओके अब रिपुंजल कौन थी रिपुंजल आप समझिए कि एक कैरेक्टर है एक जर्मन फेरी टेल में से लिया गया है और ये परियों की कहानियाँ होती हैं ओके okay? परियों की कहानी आपने सिंड्रेला की कहानी भी जैसे सुनी होगी ओके okay? सिंड्रेला जैसे एक लड़की थी और खूबसूरत थी लेकिन वो जो सर्वेंट थी लेकिन यहाँ पर रेपुंजल का जिक्र है तो मैं इसी की स्टोरी आपको सुना देती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती थी ये तो ये जो रेपुंसल थी ये एक ऐसी लड़की थी दरअसल जिसे एक विच ने ट्रैप कर लिया था मीन्स एक जादूगरनी ने उसे पकड़ लिया था और एक टावर थी बहुत ऊंची सी बिल्डिंग थी देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में मैंने आपके लिए सभी रिलेवेंट जो पिक्चर्स हैं वो प्रोवाइड की हैं ताकि एक इमेज इमेजिनेशन जो है अमेंडा की वो भी आप समझें ओके बहुत ईजी हो जाए आपके लिए समझना इन पिक्चर्स को देख के तो ये जो टावर है देखिए ऊँची सी इसमें जो है उसको रेपुंसल को रखा गया था और फिर क्या होता था कि उसके ना बहुत ही लंबे बाल थे रेपुंसल के और वो अपने बालों को जैसे विंडो से बाहर लटका देती थी इतने लंबे बाल थे कि टावर जितनी ऊंची थी मीनार जितनी ऊंची लंबी थी उतने ही लंबे उसके बाल थे तो विच जो थी वो भी उन बालों को पकड़ के ऊपर चढ़ के आ जाती थी जब उसने टावर के अंदर आना होता था एंड इसी तरह से एक राजकुमार था वो भी इसी तरह से चढ़ के उसके पास आया था तो वो फिर कहानी फिर आगे चलती है और फिर वो राजकुमार और वो जो रिपुंसल है वो मैरिज कर लेते हैं वो प्रिंस और रिपुंसल दे गेट मैरिड राइट तो विच से भी फाइट होती है वो सब चीज़ें इसमें स्टोरी में आती हैं आप समझ ही गए हो आई थिंक स्टोरी तो जो अमेंडा है शी कंसीडर्स हर सेल्फ कि वो तो एक रिपुंजल है आई एम रिपुंजल आई हैव नॉट अ केयर मैं किसी की चिंता नहीं करती क्योंकि रेपुंसर जो थे जब वो यहाँ पे रहती थी तो वो बहुत ही केयरफ्रिली रहती थी वो कोई भी चिंता नहीं करती थी राइट और आराम से वो यहाँ पर अपने टावर में रह रही थी लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्वल एंड रेयर ट्रैंक्विल का मतलब आप देखिए यहाँ पे काम एंड क्वाइट ओके तो ट्रैंक्ल का मतलब पीसफुल एकदम शांति Uh, वाली जो है ना जीवन वो जिएगी क्योंकि उस टावर में कोई और होगा ही नहीं उसके अलावा राइट तो यही सोच रही है कि काश में रिपुंजल होती केयरफुली जीती एकदम पीसफुली जीती रेयर का मतलब अनकॉमन मीन्स अनयूजअल कि वो एकदम पीसफुल एंड अनयूजल लाइफ वहाँ पे जीती वो इससे अच्छा तो रेपुंजल ही होती चाहे उसको बिच ने ट्रैप कर रखा था लेकिन स्टिल उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही पीसफुल रही होगी और इसीलिए जो अमेंडा है वो भी यही इमेजिन कर रही है लेकिन देखिए पूरी तरह से वो रिपोन्सल नहीं बनना चाहती थर्ड लाइन को देखिए वो कहते हैं आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर कि मैं अपने ब्राइट हेयर जो है वो पक्का एकदम ये पक्की बात है कि मैं नीचे नहीं गिराऊंगी विंडो से नीचे नहीं गिराऊंगी कि कोई भी ऊपर चढ़ के आ जाए तो वह रिपोर्जल तो बनना चाहेगी रिपोजल वाला वाली जो लाइफ है उसे एंजॉय करना चाहेगी कि एकदम बहुत ही पीसफुल और एकदम शांति से वो रहेगी वहाँ पर लेकिन जो है वो अपने ब्राइट हेयर को अपने लंबे बालों को सुंदर चमकदार बालों को नीचे नहीं लटकाए कि कोई भी विच ऊपर चढ़ के आ जाए ओके okay, और उसे डिस्टर्ब करें तो देखिए ये सब स्ट्रांग फीलिंग्स हैं अमेंडा की नाउ वी कम टू द लास्ट स्टेंसर ऑफ द पोएम सी स्टॉप इट सल्किंग एट वनस यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा एनी वन वुड थिंक दैट आई नेगडेट यू अमेंडा अब देखिए पूरी की पूरी पोएम में पहले तो डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देख लीजिए इस टेंसा के सल्किंग मीन्स बी इन अ बैड मूड मूडी मीन्स अनस्टेबल नेग मीन्स हेरास पूरे की पूरी पोएम में आपने देखा कि अमेंडा जो है शी इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर ऑन एवरी स्मॉल थिंग ओके लेकिन इस टेंसा में हमें पता चल रहा है कि शी कांट इवन रिएक्ट टू दिस मदर लगातार बोले जा रही हैं बोले जा रही हैं बोले जा रही हैं राइट right? लेकिन अमेंडा जो है वो इस सब बातों के ऊपर रिएक्ट भी नहीं कर पा रही कैसे तो कैसे देखिए स्टॉप सल्किंग एट वंस अमेंडा मदर बोल रही हैं मदर बोलती हैं कि सल्किंग का मतलब क्या है पहले तो आप ये समझिए सल्किंग का मैंने यहां पर मेंशन किया है बी इन अ बैड मूड देखिए कोई आपको अनॉय करता है ओके कोई आपको स्कोल्ड करता है और फिर उसके बाद आप जैसे मान लीजिए चुप हो जाते हो बिल्कुल आप बिल्कुल आ, ऐसे मुंह फुला लेते हो ऐसे ऐसे देखिए ये मैंने आ, आपके लिए पिक्चर भी प्रोवाइड की है कि एकदम चुप हो जाते हो एकदम डांट खाने के बाद एकदम सुनने से एकदम सुन एकदम हो जाते हो कि भाई हाँ कुछ भी नहीं हमने उसके ऊपर रिएक्शन देना दैट इज़ सल्किंग ओके तो आप इमोशनल हो जाते हो लेकिन आपको वो चीज़ शो नहीं करनी राइट स्टॉप दैट सल्किंग कौन कह रहा है कि ये सल्किंग बंद करो ये जो तुमने मुंह फुलाकर बैठे हो तुम इस चीज को बंद करो अमेंडा डोंट बी सो इमोशनल ओके यू आर ऑलवेज सो मोडी अमेंडा अब मोडी का मतलब अनस्टेबल मूड है उसका ओके okay? कभी कुछ कभी दुखी उसका ये नहीं पता चलता कि वो कैसे क्या इस समय महसूस है कर रही है मदर ये बोल रही है अमेंडा से यू आर ऑलवेज सो मोडी अमेंडा एनी वन वुड थिंक देर हैडा हर कोई क्या सोचेगा तुम्हारे इस फेस को देख के तुम्हारे इस बिहेवियर को देख के क्या सोचेगा कि मैं ही खराब हूं आए यहां पर किसके लिए आए हैं मदर केयर क्योंकि हमें मदर स्पीकर है राइट तो मदर क्या कहती है कि हर कोई यही सोचेगा कि मैं ही खराब हूं मैं ही तुम्हें हरास करती हूं मैं ही तुम्हें सुनाती हूं मैं तुम्हें डांटती हूं ओके मैं ही तुम्हें रिब्यूक करती रहती हूं पूरा टाइम और हर कोई मेरे बारे में ख़राब सोचेगा तुम्हारे बुरे बिहेवियर के बारे में कोई भी नहीं सोचेगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पोइम एंड हो जाती है एंड हियर वी कैन ईजिली फील कि मदर जो कोई बातें अमेंडा से कह रही हैं ऑब्वियसली वो उसे एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए बोल रही हैं लेकिन जो ये बच्चा है ये महसूस कर रहा है अमेंडा ये महसूस कर रही है कि उसकी जो फ्रीडम है उसकी जो आज़ादी है वो छीनी जा रही है उसकी जो मदर है जो उसके पेरेंट्स हैं जो उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इन सब बातों के लिए ये सब चीज़ें जो हैं ये से फ्रीडम से दूर करती जा रही हैं और उसका जो केयरफ्रीनेस है एक बच्चे की लाइफ में जो होनी चाहिए राइट वन डिजायर सो कि बच्चा जो है वो एकदम एकदम बिल्कुल जो है निश्चिंत सा इनोसेंट सा ऐसे घूमता रहे अपनी लाइफ एंजॉय करे तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी कर्टेल हो जाती हैं कंट्रोल हो जाती हैं मदर या फादर के या पेरेंट्स के ऐसे बिहेवियर के बाद आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी पोएम की अब देख लीजिए पोएम की जो राइम स्कीम है ओके तो राइम स्कीम जो है पोएम की वो थ्रू आउट तो द पोएम यही रहेगी जो मैंने इस स्लाइड पर मैंशन की है

Uh, ये जो पैराग्राफ सॉरी स्टेंजा है इसमें देखिए सी मी एंड ब्लिसफुली सी सी एंड सी सी मी ब्लिसफुली वी गिव देम अ सी तो यही जो राइम uh, स्कीम है पोएम की थ्रू आउट द पोएम यही रहेगी ए ए बी ए सी 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 ए ए बी ए सी 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 एंड सो ऑन नाउ कम द लिटरेरी डिवाइसेस अब इस पॉइम में जो लिटरेरी डिवाइसेज यूज़ हुए हैं उसमें से एक तो है मेटाफर क्योंकि आपको पता है कि अमेंडा जो है वो अपने आप को इमेजिन करती है ये क्या होता है मेटाफर ये सब मैंने यहाँ पर लिखा है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं मैंने अपनी हर पोएम में लिटरेरी डिवाइसिस को एक्सप्लेन भी किया है एंड यहाँ पर देखिए अमेंडा अपने आप को सोच रही है कि शी इज़ अ अर्मेड शी इज अ अपल राइट तो मेटाफर का मतलब तुलना करना नाउ रेपिटिशन बार बार कुछ ऐसे वर्ड्स हैं फ्रेजेस हैं जो रिपीट हो रहे हैं राइट रिपीट क्यों करते हैं किसी भी पोइम में टू एम्फिसाइज उस पर फोर्स देने के लिए जैसे जोर डालने के लिए राइट right? तो जैसे डोंट अमेंडा ओके ये सब जो वर्ड्स हैं यहाँ पर रिपीट हुए हैं देन वी है एलिट्रेशन अलिट्रेशन आपको पता ही है कि एक जैसे लेटर की जो साउंड है या तो बिगनिंग या फिर क्लोजली कनेक्टेड बिगनिंग ऑफ ऑफ एडिसेंट वर्ड्स या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स पर जब आती है तो उसे अलिट्रेशन कहते हैं उटिंग एंड सीट अप्रेट इसमें स साउंड आप देख सकते हैं बार बार आ रही है तो एलिट्रेशन देन डिड यू टाइड यूर रूम डे सब साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है सो अलिट्रेशन देन यू है अब एलिविजन जो है जब भी हम किसी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर uh, को यूज़ करते हैं राइट स्टोरीज में से कोई करेक्टर उठा के लाते हैं और वहाँ पर पोइट उसको मेंशन करता है तो यहाँ पर आपने देखा ही है कि अमेंडा जो है वो अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करती है इमेजिन करती है कि वो एक मोर्मेंट होगी या एक रिपोजल होगी थीम ऑफ द पोएम यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है द पोएम डील्स विद द अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड अमेंडा इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय द चाइल्ड पोइट रॉबिन क्लेन मेक्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अ चाइल्ड शुड नेवर बी डिनाइड फ्रीडम Though it is parents who are responsible for a proper upbringing of their child, but that should not make a child feel trapped. Here Amanda is prepared to be acceptable in society, and this training needs a freedom to be cut short. अब सभी NCR के question answers मैंने यहाँ पे provide किए हैं आपको. आप चाहें तो वीडियो को pause करके note कर सकते हैं, या फिर आप इनका screenshot ले सकते हैं और paper और pen लेकर तैयार हो जाइए. ये सभी जो है कंप्लीट क्वेश्चंस आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं देखिए फर्स्ट दरअसल एन में नाइन क्वेश्चन हैं तो ये सभी आप देख लेंगे वैसे पॉइंट को एक्सप्लेन करते समय मैंने बहुत ही स्ट्रेस दिया है इन सब पॉइंट्स पे फिर भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज हाउ डू यू नो दिस आपको क्या लगता है कि अरमेंडा कितने साल क्योंकि तो मैंने आपको बताया ही था कि यह तो अपनी टीन एज में या टीन एज में एंटर करने वाली है ओके ट्वेल्व टू थर्टीन ईयर्स ओल्ड हो सकती है और कैसे पता चलता है क्योंकि एक तो उसको होमवर्क फिनिश करने के लिए बोला जा रहा है एक उसको गुड मैनर्स एटिकेट सिखाई जा रही हैं तो वो उसी एज में होगी राइट डू यू थिंक हो डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर क्या लगता है आपको कौन बोल रहा है तो पेरेंट्स हो सकते हैं और पेरेंट्स में से भी स्पेसिफिकली हम क्या बोल सकते हैं ओके मदर ये फिर देखिए सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स एंसर जो है पेरेंथिसिस में क्यों गिवन है इस पर तो मैंने बहुत स्ट्रेस दिया है अपनी एक्सप्लेनेशन में कि जो अमेंडा uh, ने जो बातें बोली हैं मतलब uh, बोली नहीं है सोची हैं ओके okay, ही uh, जैसे ब्रैकेट्स में गिवन है क्योंकि दे आर द इनर थाट्स ऑफ अमेंडा ओके दे आर द इमेजिनेशन ऑफ अमेंडा दैट्स वाई दे आर गिवन इन ब्रैकेट्स हु इज द स्पीकर इन स्टेंसासू फोर सिक्स में कौन है स्पीकर अमेंडा है और वन थ्री फाइव सेवन में कौन है मदर है डा अमेंडा डू इफ वर अ मरमेड कि अमेंडा क्या करेगी अगर वो एक मरमेड होती ओके okay? तो मरमेड होती तो अमेंडा क्या करती आपको पता ही है कि वो ड्रिफ्ट करती बहुत ही हैप्पीली एक रिलैक्सिंग और ग्रीन सी में वहां पर वो सोल इनहेबिटेंट होती कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं होता इस अमेंडा न क्या मैंडा एक अनाथ है नो वाइड शी से सो देखिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी अमेंडा की इसीलिए उसने ऐसा कहा वो बहुत फेडअप हो गई थी कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस बहुत ही अथॉरिटेटिव वे में मदर उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी इसलिए दैट्स वाई शी एम एचेंड कि इससे अच्छा तो उसके पेरेंट्स होते नहीं डू यू नो द स्टोरी ऑफ रिपुंजल डज शी वॉन्ट टू बी रिपोजल तो रिपोर्जल की स्टोरी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सुनाई थी उस समय एंड यही स्टोरी मैंने यहाँ पर आपको लिखकर प्रोवाइड की है आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं यूज कर सकते हैं वट इज द गर्लन फोर ओके लड़की क्या चाहती है तो आपको पता ही है कि कोई भी लड़की इस एज की या कोई भी बच्चा इस एज का क्या चाहेगा वो फ्रीडम चाहेगा राइट right? वो कहती है साइलेंस इज गोल्डन फ्रीडम इज स्वीट राइट वो स्पेस चाहेगा अपने लिए लाइफ में वो अपने डिसीजन खुद लेना चाहेगा अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से जीना चाहेगा वॉट इज़ दिस पॉइंट टेल्यू अबाउट अमेंडा तो अमेंटा भी जो है वो इसी तरह की लड़की है हालांकि पेरेंट्स उसको बहुत इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बार बार कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि उसके पेरेंट्स उसको इतना ज़्यादा कंट्रोल करें एंड शी इज़ लॉस्ड इन हर ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन ऑल द टाइम रीड द लास्ट एंस आर डो यू थिंक अमेंडा इज सलकिंग एंड इज मोरी क्या आपको लगता है कि अमेंटा जो है वो सल्किंग या मोरी होगी देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ना हम अमेंडा की साइड लेंगे हमें लगता है कि अमेंडा नहीं तो सल्किंग है सल्किंग का मतलब आपको याद ही होगा कि उसके पेरेंट्स उसको डांटे जा रहे हैं और वो बेचारी रिएक्ट भी नहीं कर सकती ओके okay? कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं मदर की ओर से राइट एंड शी इज़ नॉट मतलब शी इज़ नॉट इवन अलाउड टू रिएक्ट तो शी इज़ नॉट सल्किंग एंड मुडी भी नहीं है वो ओके okay? uh, क्योंकि ऑब्वियस uh, है कि वह सोसाइटी बहुत एक्सपेक्ट करती है हमारे से कि हम बहुत अच्छे से बिहेव करें तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप पूरी तरह से उसकी फ्रीडम को छीन लोगे तो बच्चा है बच्चे को बच्चे की तरह से भी जो चीज़ें होनी चाहिए वो हम उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर फीवर करेंगे हम कहेंगे शी इज नाइट द सेल्फ नोर मूडी नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई प्रोवाइडेड यू द कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेशन ऑफ द पोएम इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी देन आई ऑल्सो डिस्कस्ड यू द राइट किम ऑफ द पोएम आई डिस्कस्ड ऑल द लिटरे डिवाइस यूज इन दिस पोएम अलॉन्ग विद द थीम एंड आई ऑल्सो प्रोवाइडेड यू All the important questions and answers. I think this is uh, all in all for this video. I hope you poem mein -hogi. Thank uh, you so much for watching this video. Thanks a lot.